मामला कन्नौज का है, जहां नाबालिग के साथ रेप की कोशिश में एक स्थानीय नेता गिरफ्तार किया गया है। 29 जुलाई को नाबालिग के साथ रेप की एक खबर सामने आई, जिसमें आरोप लगा मोइन खान पर, जिससे समाजवादी पार्टी का नाता बताया जा रहा है। सवाल उठाए जाने लगे और अब 12 अगस्त को नाबालिग के साथ रेप की कोशिश की खबर आई और आरोप लगा नवाब सिंह यादव पर और फिर से समाजवादी पार्टी पर आरोप लगने लगे। आखिर कौन है ये नवाब सिंह यादव, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने रेप के आरोप में दबोच लिया है और जिसके राजनीतिक रिश्ते को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आरोप लगने लगे हैं। आइए पहले आपको ये बता देते हैं कि नवाब सिंह यादव पर आरोप क्या लगे हैं। नवाब सिंह पर आरोप है कि नौकरी मांगने आई नाबालिग के जबरन कपड़े उतरवाने का, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने की कोशिश करने का। इसमें जो इसने बताया है कि नौकरी के नाम पर ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे, उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विधिक कार्रवाई की जाएगी। नवाब सिंह यादव अब पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं पुलिस, जिसने कुछ टाइम पहले ही नवाब सिंह को नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था और जो एसपी साहब नवाब सिंह के कारनामे बता रहे हैं, वही एसपी साहब एक हफ्ते पहले नवाब सिंह की सम्मान कर चुके हैं। 8 अगस्त को ये तस्वीर देखिए, जिसमें कन्नौज के एसपी साहब खुद नवाब सिंह का सम्मान करते दिख रहे हैं और नवाब सिंह की ऐसी कई तस्वीरें हैं जिस पर बीजेपी और सपा एक दूसरे को घेर रही है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नवाब सिंह यादव की जान पहचान कहां तक है और किन लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। पर ये हो नहीं, इसके अलावा एक और तस्वीर है जो सामने आई है, जो इस वारदात की गुत्थी उलझा रही है और इस वारदात में एक अहम हिस्सा है। नाबालिग की बुआ, ये वही बुआ है जिसके साथ नाबालिग नौकरी मांगने नवाब सिंह के कॉलेज गई थी। आरोप यही है कि बुआ वॉशरूम गई तो नवाब ने अकेले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन इस बुआ की तस्वीरें बीजेपी के पूर्व सांसद के साथ वायरल हो रही हैं। साफ है कि नवाब सिंह यादव राजनैतिक रसूख रखता है, तभी उसकी गिरफ्तारी के बाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिल के ये षड्यंत्र कर रहे हैं। तो सवाल अब ये है कि कन्नौज का नवाब आखिर किसका नजदीकी है और अयोध्या के बाद कन्नौज दूसरा मोर्चा बन चुका है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।